समाजवादी पार्टी ने सपा के बुद्धिजीवी सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मणों और बुद्धिजीवियों को साधने की कोशिश की। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने सम्मेलन के जरिए यूपी की योगी और मोदी सरकार पर साधा निशाना। संभल के बेजोई में पूर्व मंत्री और सम्मेलन के अतिथि अभिषेक मिश्रा ने बीजेपी पर भगवान को छोटा बड़ा कर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। यूपी सरकार ब्राह्मणों के शस्त्र लाइसेंस भी चेक कराकर कार्यवाही करना चाहती थी। उन्होंने खुशी दुबे समेत प्रदेश के तमाम ब्राह्मणों पर यूपी सरकार द्वारा अत्याचार करने का आरोप लगाया तथा सपा को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितेशी बताया। वहीं बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण की तरह अत्याचार के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार अपने 2014 के वादे पर कायम रहती तो यूपी में एक भी बेरोजगार नहीं होता। उन्होंने नोटबंदी और कोरोना में 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का पीएम पर लगाया आरोप। तब तक उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाने का काम किया है। ये प्रभु श्री राम की बात करते हैं, अरे ये क्या जाने राम क्या होते हैं। इनको राम से कोई दिखाई दे रही नहीं, इन्हें पता ही नहीं राम है क्या, राम किस तत्व का नाम है, राम किस विश्वास का नाम है, राम किस मर्यादा का नाम है। भारतीय जनता पार्टी वालों को इसे कोई लेना देना नहीं, उनको इस बारे में कुछ बताइए। जी के सार्वजनिक भाषण के बाद मैंने सोचता कोई और बात कहने की आवश्यकता है, लेकिन हमें और आपको याद रखना पड़ेगा अलग अलग युगों के अलग अलग इतिहास है। जब भगवान से जब इस देश के अंदर क्षत्रिय लोग अत्याचार कर रहे थे उस समय भगवान परशुराम ने ही भगवान कृष्ण को सुंदर चिन्ह देने का भी काम किया था कि क्षत्रिय के माध्यम से अत्याचार करो। जरूरतें हैं, चुनौतियां हैं, आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमें आपको लड़ना पड़ेगा। आप यहाँ के लिए लॉकडाउन और आप तमाम तरीके की जो बीजेपी के लोगों ने काम किए हैं उस काम के बाद में बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हालांकि अक्षय भाई डाटा और करेक्ट करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कम से कम 14 करोड़ देश के लोगों का रोजगार बीजेपी की सरकार ने छीनने का काम किया।